तो हम ये बात कर रहे थे कि ये 17 SDGs काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है जिससे आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है सिलेबस का, कि आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए। नो पॉवर्टी के लिए भी हमने बात किया, कालिया, रायतु बंधु, ये सारी कुछ स्कीम्स है जिसमें कि किसानों को सपोर्ट दिया जाता है। जीरो हंगर के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है कि हंगर खत्म हो। शब्द चला गया नहीं सर, मैं यही हूँ। हाँ, अब जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। जीरो हंगर के लिए NFSA आया है, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, जिसमें कि आपको ना 2 रुपए 3 रुपए ऐसे करके उस पे चावल मिल जाता है, गेहूं मिल जाता है, कोर्स ग्रेन मिलेट्स मिल जाता है। ये सारे कुछ स्कीम्स लेके आई है सरकार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या देती है गवर्नमेंट, सब्सिडाइज फूड ग्रेन देती है। अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडिया 1.3 बिलियन पीपल, 1.3 बिलियन पीपल इन करोड़ इवैल्यूएट्स टू हाउ मच, 130 करोड़। हाँ, तो ये जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, इनको 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। ये भाई ये क्वेश्चन आ चुका है, पैसे याद रखियो कि राइस कितने रुपए किलो, राइस कितने रुपए किलो, 3 रुपए, और वीट 2 रुपए। आपने कभी देखा है, कभी सुना है इसके बारे में, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, फटाफट जल्दी से। NFSA पे क्वेश्चन आ चुका है पहले UPSC में, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जो खुद को नहीं सर जो इंट्रोस्पेक्ट कर इंट्रोस्पेक्ट नहीं जो देखता है जांचता है। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का क्या मतलब है? देखो ये लॉ बना 12 सितंबर से, ठीक है ना, लेकिन ये एप्लीकेबल हो जाएगा 5 जुलाई से। मतलब लॉ बना बाद में लेकिन एप्लीकेबल है ये पहले से, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। समझ में आ रहा ना हुआ क्या, कि ये बना है 12 सितंबर में लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये एप्लीकेबल होगा 3-4 महीने पहले से ही एप्लीकेबल होगा, ये 5 सितंबर से ही एप्लीकेबल होगा, मतलब सॉरी 5 जुलाई से ही एप्लीकेबल होगा। ऐसे लॉ को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोएक्टिव लॉ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट से बहुत लोगों को लगता है कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर है या एग्रीकल्चर के अंदर है, ऐसा नहीं है। ये जो है इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पहले मिनिस्टर रामविलास पासवान सर हुआ करते थे, शबनम। ये याद, ये देखा, देख रहे हो? यस सर। गुड हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत स्लाइड देखा है पहले लेकिन भूल गए फिर। यस सर। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, आरटी क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। याद ये रखना है यहाँ पे कि राइट टू एजुकेशन किस साल पास हुआ था, 2009 में। आरटीआई क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किस साल पास हुआ था, 2014 नहीं 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में। DPSPL लाइक इक्वल पेपर इक्वल वर्क। फिर अब ये पता कीजिएगा कि ये कौन से आर्टिकल में, 36-51 में किस आर्टिकल में आता है इक्वल पेपर इक्वल वर्क, क्या वो 39 में है, 38 में है, किसमें? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये स्वच्छ भारत मिशन है। इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और अर्बन। सुना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है? सर होम अफेयर। स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो किसके अंदर है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर हुआ करता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मर्ज कर दिया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ, तो इसीलिए जल शक्ति मिनिस्ट्री में है। ये बताया था पहले, बताया था या नहीं बताया था? क्लीन एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन से दो कंट्री के इनिशिएटिव से बना है, अच्छे से इसको कर लीजिए, बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। कौन से दो कंट्री इसमें पाए गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है शबनम? शबनम भाग गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हैव यू हर्ड अबाउट गुरुग्राम? यस सर, गुड़गांव का दूसरा नाम गुरुग्राम। हाँ, तो ये बहुत प्राइड की बात है हमारे लिए कि कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में पड़ा है। इंडिया और फ्रांस दोनों का इनिशिएटिव है ये, इंडिया प्लस फ्रांस का, और वर्ल्ड ओवर से हमें मतलब बहुत सारे कंट्रीज का सपोर्ट मिला है इसमें। क्लीन एनर्जी, गुड जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी। हाँ जा खत्म सब ना, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी एक्ट, ये है ना मनरेगा, ये 2005 में आया है ना। ये राइट टू वर्क है रूरल एरियाज में। अभी राजस्थान गवर्नमेंट बोल रही है, करंट अफेयर्स में था कि हम अर्बन एरियाज में भी ऐसा राइट टू वर्क लाएंगे, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर SDG 9, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
रिड्यूस इनइक्वालिटी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आगे जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे आप, जैसे ये खत्म हो जाएगा हमारा ये जब टॉपिक प्री का, प्री के बाद आप बताना कि कौन सा टॉपिक आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है। अगर इकोनॉमी पढ़ना होगा तो उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, आपको ये पता चलेगा इसमें क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना होगा, कम होगा इनकम तो टैक्स कम पे कीजिएगा, ये सही होता है। अगर वो ज्यादा टैक्स ले रहे हैं रिच पीपल से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, लेट्स से एचएनआई इंडिविजुअल से, तो ये पैसा फिर वो गरीबों में सब्सिडीज एटसेट्रा में लगाते हैं। तो रिच पीपल से ज्यादा पैसे लो और गरीबों में बांट दो, दैट इज द बेसिक थीम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। समझ में आ रहा है? शबनम ये क्यों भूल गए, तुम ये पढ़ा था ना पहले? पढ़ा नहीं था सर, एक बार दिखाया था क्लास में। अरे वाह, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज कंपलसरी अफॉरेस्टेशन की बहुत जगह क्या है, पेड़ वेड़ काटना है। अगर आप पेड़ काट रहे हैं ठीक है, लेकिन सैपलिंग्स भी लगाइए, फिर एक पेड़ काट रहे हैं तो 100 सैपलिंग्स लगाइए, ये है कंपलसरी अफॉरेस्टेशन का बेसिक मीनिंग। लेकिन इसके बहुत क्रिटिसिज्म है, देखेंगे। प्लान्ड अर्बनाइजेशन, बहुत अनप्लान्ड तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है आजकल। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का यही मतलब नहीं है कि कितने मोमोज खाना है, कितने मोमोज खा जाते हो तुम रोज शबनम? रोज नहीं खाती सर। खाते हो तुम? शिलोंग में तो सब खाते हैं रोज मोमोज। कितने दिन पे खाते हो तुम? सर हफ्ते में। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का मतलब होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड वेस्टेज, इट्स आल्सो अबाउट रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। लाइक यू हैव अ स्कीम कॉल्ड उजाला व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स एलईडी बल्ब्स व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी कंजम्पशन। तो ये भी है प्रोटेक्ट द प्लैनेट। प्रोटेक्ट द प्लैनेट में पेरिस क्लाइमेट डील, क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस क्लाइमेट डील क्या है, जिसमें की UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 के रियो अर्थ समिट में आया था। 1992 का जो रियो अर्थ समिट था उसमें UNFCCC आया है, उसके बाद UNCCD आया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आया है। और आई थिंक एक और स्कीम आई है, एक और आया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है वो, जिसमें कार्टाजेना और नागोया प्रोटोकॉल है। अब तुम्हारा होगा कि शबनम की रियो अर्थ समिट के बारे में पढ़िए, जो 1992 का रियो अर्थ समिट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोइता सी शबनम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रियो अर्थ समिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रियो में हुआ था। वेर इज रियो, उठाए हुए तसी रियो सर? अफ्रीका। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का, ब्राजील में है ये रियो डी जेनेरियो। सर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये है कि जीएचजी गैसेस, 6 जीएचजी गैसेस के बारे में ये बात करता है कि उसका इमिशन हमें कम करना है। आपका सेकंड होमवर्क ये है, क्योटो प्रोटोकॉल में कौन से 6 जीएचजी गैसेस के बारे में वो बात कर रहे हैं। जीएचजी का मतलब समझते हो, क्या होता है जीएचजी? यस सर, ग्रीन हाउस गैस। वेरी गुड, दे आर टॉकिंग अबाउट 6 जीएचजी। पता कीजिए वो कौन से 6 जीएचजी है। लाइफ बिलो वाटर यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज क्या है? ये हुई तो सब मियां, यूएन क्लॉज इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की नीचे जो है, जैसे यूएन क्लॉज और आईएसए दे टॉक, मतलब वहां पे ना हमारे सी के अंदर एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। इसमें बहुत प्रीशियस मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें ना जो चाइना के पास जितने सी भी हैं, जो उसके एरिया के अराउंड है, वहां पे बहुत मिलता है, हमारे इंडियन ओशन में मिलता है। लेकिन कौन कितना एक्सट्रैक्ट करेगा, इसके लिए लॉज बनाते हैं यूएन क्लॉज और आईएसए। समझ में आ रहा है? तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए बनाते हैं कि आप इनसेसेंट एक्सप्लॉयटेशन मत करो ओशन वाटर्स का। लाइफ ऑन लैंड UNCCD, IPCC। UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्ट। हाँ, और IPCC पढ़ना है इसके बारे में, आज पढ़ना है इसके बारे में। आज बेटा आपको पता है क्या करना है? आज खत्म होते ही मैं आपको तुरंत भेज दूंगा वीडियोस, उसके बाद तुरंत ये वीडियो देखना, उसमें जो जो कीवर्ड्स आपको देख रहे हैं उसका थोड़ा सा गूगल कर लेना 2-3 लाइन, तुम देखना कितने क्वेश्चंस तुम्हारे आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ उससे। इसी से और क्या आएगा, यही पूछते हैं, यही पूछेंगे। UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी रियो अर्थ समिट में बना था जब UNFCCC बना था। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मतलब बहुत सारे एरियाज हैं एशिया और अफ्रीका के, जो ये प्राइमरी उनका फोकस है, एशिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आगरा जो है, ठीक है, आगरा अगर तुम देखोगे तो बड़ा क्लोज है राजस्थान से, मतलब राजस्थान के कुछ एरिया से जहाँ पे काफी ज्यादा मतलब डेजर्ट वाले सॉइल है। तो आजकल आगरा में भी डेजर्ट के सॉइल आने लगे हैं, तो मतलब इवन आगरा का जो लैंड है जो यूपी में है वो भी डेजर्टिफिकेशन को फेस कर रहा है। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं। ICZ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन क्या है? कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। नाम क्या है? ब्रिक्स क्या है? सर ये कंट्री का नाम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना,
लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे देखेंगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। किया तो था सर। क्या बोलता है? किया था सर। बहुत अच्छा बच्चा है। चलो 33 सॉल्व करो। अब ये 33 से तुम देखना हमारा कितना करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमारा करंट अफेयर्स काफी सारा कवर हो जाएगा। अभी सर ए ऐसे करिएगा, देखिए यहाँ पे ना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर पूछ रहे हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो? परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है ना। परसेंटेज और एब्सोल्यूट एरिया में फर्क है। जैसे मान लो एमपी जो है, एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया जो है सबसे ज्यादा एमपी में है। लेकिन फॉरेस्ट कवर अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर कहाँ सबसे ज्यादा है, तो मिजोरम में है। यस सर। है ना, ये सेम है जो ट्राइब वाला है। ट्राइब में भी यही कंडीशन था कि मैक्सिमम जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो एमपी में मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब का वो मिजोरम में है। सेम चीज हमको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ ट्राइब है, ट्राइबों का फॉरेस्ट से बहुत प्यार है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इतना अच्छा डिडक्शन आपने कर लिया कि ट्राइब और फॉरेस्ट का जो बेसिक रूल था कि ट्राइब सबसे ज्यादा एमपी में है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा एमपी में है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में। अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो मैं बता दूं क्या, टाइम खोका नहीं करें? यस सर। बोलो कि सर टाइम खोका मत कीजिए। सर टाइम वेस्ट मत कीजिए। तू खोका क्यों नहीं बोलता है? महाराष्ट्र का फॉरेस्ट बता तो ना, सुनो तो। महाराष्ट्र का फॉरेस्ट कवर है 16-17%। अगेन ये वैरी करता है डेटा, लेकिन ज्यादा वैरी नहीं करेगा, डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग चीजें बोलेंगे। एक जो चीज फिक्स है कि महाराष्ट्र का 16-17% है, मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट 25% है, उड़ीसा का 33-34% है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सोर्सेज वैरी करता है लेकिन ग्रेटर देन 40% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। अरे छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया, हमेशा तो फॉरेस्ट ही दिखता है, वहां कोई जाना ही नहीं चाहता उधर। उनको लगता है कि उड़ जाएंगे, ये जाएंगे, गायब हो जाएंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो छत्तीसगढ़ का नाम सुनते ही फॉरेस्ट तुमको समझ में आना चाहिए कि वहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। तुम सुना है छत्तीसगढ़ का नाम? यस सर। कहाँ पे है छत्तीसगढ़? सो तो छत्तीसगढ़ वन तो ऑप्शन में पहले है ही नहीं। मेरे असेंडिंग ऑर्डर मेरे भाई, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि छोटे से बड़ा। कैसे होगा आंसर बताइए सर? तो फिर महाराष्ट्र 3-2-4-1। तो आंसर हो गया सी, है ना। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अभी एक रिपोर्ट आता है जो आपको पढ़ना है। अब मैं अभी बता दूंगा तो ठीक है, मत पढ़ना। ISFR रिपोर्ट है जो हर 2 साल पे आता है। लेटेस्ट रिपोर्ट आया 2021 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? FSI क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? दो साल में एक बार आता है। जो बाय एनुअल होता है वो एक साल में दो बार आता है। सो बाय एनुअल इज नॉट इक्वल टू बाइनियल। समझना है? यस सर। वाह छबू मियां, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने कभी सुना था क्या? नो सर। छबू मियां तुम पढ़ता नहीं है मन लगा के, बहुत ज्यादा नहीं सर ये वाला। हाँ बोलो बोलो। हेलो शबू, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा यार, अब फिर बीच में गायब हो गया तुम्हारा आवाज। हेलो सर, क्योंकि ये जो मैंने PT365 किया उसमें नहीं था, इसलिए शायद मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे नहीं होगा, ये तो रहेगा ही, ये कहीं जाएगा थोड़ी ना, ये तो पक्का होगा। तुम ध्यान से देखना इन्वॉल्वमेंट वाला किया है कि नहीं। हेलो
यस सर, यस सर। तो बीच में तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, आवाज चला गया था। अरे सर आवाज चला गया होगा। ISFR 2021, अब देखो इनका क्या सर्वे है, ये क्या बोलता है, वो बोलता है कि इंडिया में 21.67% जो है या ये फॉरेस्ट कवर है। कुछ चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो एकदम लंगोट बांध के। उसके बाद 2.89% जो है ये ट्री कवर है इंडिया में। अब फॉरेस्ट कवर ट्री कवर क्या होता है, मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम पढ़ोगे। और ओवरऑल अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 24.56% जो है ये हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। तो कभी कभी तुमसे पूछेंगे कि इंडिया कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है, तो कभी ये ऑप्शन दे देंगे 24.56, तो इसको टिक मारना। कभी अगर ये ऑप्शन नहीं दिए, ये वाला दे रहे हैं, तो इसको टिक मारना। समझ में आ रहा है छबूमिया? हाँ, तो अब मेरे को ये बताइए छबूमिया कि फॉरेस्ट और ट्री कवर के बीच में डिफरेंस क्या है। सर फॉरेस्ट घना जंगलों का और ट्री में स्पेयर्स ट्री भी हो सकते हैं दूर दूर। हाँ, अब इसमें ना ये जो है ये तो अच्छी बात हो गई, ये हो गई गंवारों वाला डेफिनेशन। कैसा वाला डेफिनेशन? गंवारों वाला डेफिनेशन। अब आते हैं डेंस फॉरेस्ट और स्पेयर्स फॉरेस्ट, ये गंवारों से थोड़ा अच्छा हुआ लेकिन फिर भी गंवार की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब आते हैं जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है छब्बू? ओके सर। ऑफिशियल डेफिनेशन गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है कि फॉरेस्ट कवर वो एरिया है, लैंड्स व्हिच आर मोर देन 1 हेक्टेयर, लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर, अच्छे से समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मोर देन 1 हेक्टेयर हैविंग ट्री कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10%। बताता हूँ क्या मीनिंग है, हैविंग ट्री कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10%। जैसा तुम कह रहे हो घना जंगल, उसको ये ट्री कैनोपी डेंसिटी से बताते हैं कि ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो, लैंड लेकिन 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। ट्री कवर का क्या डेफिनेशन है, ट्री कवर के बारे में वो क्या बोलते हैं कि ट्री आउटसाइड और ट्रीज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ट्री आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन लैंड्स लेस देन 1 हेक्टेयर, इन लैंड्स लेस देन 1 हेक्टेयर। यहाँ पे की वर्ड क्या है, 1 हेक्टेयर, मोर देन 1 हेक्टेयर एंड लेस देन 1 हेक्टेयर। जब वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाला लैंड है वहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है तो वो फॉरेस्ट कवर हो गया। लेकिन ट्री कवर क्या है कि अगर लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है और वहां पे कुछ ट्रीज आपको मिल रहे हैं तो वो ट्री कवर के अंदर आ गया। समझ में आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। नहीं समझता है छबूमिया? छबूमिया अपना गवार वाला डेफिनेशन ही लिखेगा एग्जाम में। अरे नहीं सर, देखो मैंने जो बोला था वही है लेकिन सिर्फ यहाँ में कैनोपी वर्ड यूज हुआ है। हाँ, और ये थोड़ा फैंसी फैंसी तरीके से बोला है इन्होंने, है ना? यस सर। ठीक है मेरे भाई, प्लीज ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अब इसमें क्या क्या और इन्होंने बोला है, और अब 2023 में आएगा ये, तो ये ही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन आएगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ये क्या बोलते हैं, ISFR 2021 जो है इनके हिसाब से लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया क्या क्या है? तो एक तो सबको आपको पता होगा, एरिया पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। तो पहला कौन सा होगा, किसमें सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया छबूमिया? छत्तीसगढ़, एमपी बेटा, अभी तो था ना एमपी में सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, मध्य प्रदेश, एमपी मिजोरम इतना भी डिस्कस किया, एमपी के बाद फिर अरुणाचल। हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर था छत्तीसगढ़। ओवरऑल अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया देखोगे तो सबसे बड़ा एमपी, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ये हो गया लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। अगर तुम फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज ऑफ लैंड फॉरेस्ट कवर, तो इसमें पहला स्टेट क्या आएगा छबूमिया? मिजोरम, ठीक है, फिर आएगा अरुणाचल, फिर आएगा मेघालय, फिर उसके बाद आई थिंक और दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय। हैव यू हर्ड अबाउट मेघालय? यस सर। तुम्हारे यहाँ तो फॉरेस्ट दिखता ही नहीं है शिलोंग में, किधर है फॉरेस्ट? सर बहुत फॉरेस्ट है। बहुत अच्छे, जो कपल्स होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, वेरी गुड छबूमिया, आगे चलते हैं सर। समझ में आ गया ना ये चीजें, कुछ थोड़ा ध्यान रखिएगा। वापस चलते हैं जो हम कर रहे थे काम, तो हमने 33 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन देखना है वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, आते हैं 45 पे, एक सेकंड रुकना। ये क्वेश्चन नंबर 45 देखो चबू, ये मैंने पढ़ाया है आपको इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से? आपने 2019 का पेपर भी लगा लिया है? सर लगाया था सर, 2 ओनली। कैसे पता सर क्योंकि
ये जो अमेंडमेंट सर इसका आंसर टू ओनली ही था और ये 44th अमेंडमेंट का गलत है. 44th अमेंडमेंट में ये थोड़ी ना बोला है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. देखिए हुआ क्या था 42nd अमेंडमेंट में, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया. पढ़ाया क्या मैंने ऐसा? नहीं पढ़ाया. नहीं पढ़ाया तो जबरदस्ती नहीं कि सही ही होगा ऐसा मत मानिएगा. 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस प्रॉपर्टी के ऊपर में. अरे किसके ऊपर में? प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस 44th अमेंडमेंट. हाँ 42nd अमेंडमेंट में जो बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, वी नो इट. तो 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने लिखा प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ पीएम. 44th अमेंडमेंट में उन्होंने चेंज नहीं किया पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 44th में ये चेंज नहीं किया. तो वो उन्होंने लिखा है कि ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये सब नहीं लिखा था कि इलेक्शन कलेक्शन. और ये 99th अमेंडमेंट स्टक किया. 99th अमेंडमेंट से क्या बनाया था गवर्नमेंट ने, उसका नाम क्या था, कल ही बताया है जब जुडिशरी पढ़ रहे थे, कोलेजियम सिस्टम पढ़ रहे थे. पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे चबूमिया? नालचा एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. बताया कि नहीं बताया है कि गवर्नमेंट ने ये बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? यस सर. फिर क्यों भूल गया सबनम तुम? एनजेएसी. तुम आज नाश्ता किया है? यस सर. क्या खाया आज? यस सर. रोटी. तुम रोटी खाया? रोटी सर मतलब वही तेल वाला रोटी पराठा. ठीक है. तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इन्होंने बनाया था जिसमें कि 6 मेंबर्स होंगे. 6 मेंबर्स कौन कौन होंगे? 3 होंगे जुडिशियरी साइड से, और 3 जो मेंबर्स होंगे उसमें एक होगा लॉ मिनिस्टर, और 2 होंगे इमिनेंट पर्सनैलिटीज. ये बताया था ना? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करने देंगे, हम जुडिशियरी वाले ही अपॉइंट करेंगे. ये जो अपॉइंटमेंट होता है जुडिशियरी का, कौन कौन से आर्टिकल्स थे शबनम? चुपचाप इन्वायरमेंट पढ़ाओ. क्यों? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला. हाँ, मैं तुम्हारे मन की बात बोलता. हाँ, और 217 चेक कर लीजिएगा कौन कौन से थे. 124, 217 ऐसे था ना, ऐसा कुछ था. 124 सुप्रीम कोर्ट वालों का, 217 हाई कोर्ट वालों का, ऐसा कुछ था या कुछ और था? पता कीजिए और कल बताइएगा मेरे को. ठीक है शबनम? ओके सर. चलो अब वापस चलते हैं इन्वायरमेंट पे. इन्वायरमेंट में काफी काम है, मॉड्यूल्स में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. मैं फिर आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा और उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे. समझ में आ रहा है सर? ठीक है. एलपीजी का क्या मतलब है? एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है? एलपीजी रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. वेरी गुड. दूसरा एक और एलपीजी होता है, उसका क्या फुल फॉर्म है? वो जो एलपीजी सिलेंडर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो होता है ना, कलरलेस ऑर्डरलेस है वो, तो उसमें कोई एक स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है ताकि लीकेज पता चले. उस स्मेलिंग एजेंट का क्या नाम है? इथाइल मरकैप्टन. बताया कि नहीं बताया? नहीं याद मुझे. इथाइल मरकैप्टन ऐड किया जाता है ताकि जो लीकेज हो तो पता चले. ये बताया? अच्छा भूमिया. यस सर. ठीक है, याद रखिएगा. ऐसे टर्म्स देखना है आपको, जो प्री के लिए आप पढ़ रहे हैं, अभी आप मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टर्म्स पता करना है. इकोसिस्टम क्या है? इस पे क्वेश्चन आ चुका है. ऐसा एरिया जहाँ प्लांट एनिमल एक्सेट्रा सब मिलके रहते हैं, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और उससे पूरा इकोसिस्टम बनता है. अब इंपॉर्टेंट टर्म बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन. क्या मीनिंग होता है इसका चबूमिया? सर बायो मैग्निफिकेशन मतलब एक जन खाता है उसे, और एक्यूमुलेशन में वो जिसने खाया है उसको आगे जाके और कोई खाता है. उल्टा हो गया, उल्टा हो गया बेटा. ओ उल्टा हो गया. हाँ. अच्छा एक्युमुलेशन में वो एक फिश था जिस... हाँ. जा खत्म हो गया. हेलो चबूमिया, फिर आवाज गायब आपका. मिस्टर चबू हेलो. हेलो सर, आई एम अवेलेबल. अरे लेकिन तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा था चबूमिया. सर पर मैंने बोला था. हाँ तो बायो एक्युमुलेशन जैसा क्या होता है कि उसमें आप कोई चीज खा रहे हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में ही रह जा रहा है. और बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, आप कुछ खा रहे हैं वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, फिर आपको कोई खा रहा है उसके बॉडी में, और आपके जैसे 10 को वो खा गया मान लीजिए,
आप जैसे 10 पानी है, आपको आपके जैसे 10 लोगों को टाइगर खा गया, तो टाइगर में 10 टाइम्स चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, मान लो टाइगर को कोई वेल या कोई और खा गया, गॉड नोस कौन खाता है टाइगर को, लेकिन उसके पास और चला गया। मान लीजिए टाइगर है, डिकम्पोज हो गया, मर गया, मरने के बाद इसके बॉडी को वल्चर खा रहा है, ऐसे 10 टाइगर को वल्चर खा गया, तो वल्चर के बॉडी में और बढ़ गया, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, है ना। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। आप है यहाँ पे मैन, आप ट्रॉपिक लेवल 1 पे है, TL1 पे है, आपके ऊपर है टाइगर, लेट से टाइगर मतलब खा रहा है आपको, वो ट्रॉपिक लेवल 2 पे है, लेट से टाइगर जो मरे हुए टाइगर उसको वल्चर खा रहा है, तो वल्चर आ गया ट्रॉपिक लेवल 3 पे। तो ये जो कोई भी सब्सटेंस है आपके पेट में था, फिर टाइगर में गया, फिर वल्चर में गया, ये बढ़ रहा है, तो ऐसा सब्सटेंस जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको इनसॉल्युबल होना होगा वाटर में, इट हैज टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, तभी नहीं, तो अगर पानी में ये सॉल्युबल होगा तब तो आपके पेट से निकल जाएगा, फिर ये बढ़ेगा कैसे इस टाइगर के अंदर। सो इट हैज टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट मींस इट हैज टू बी हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक मतलब इनसॉल्युबल होगा, इट हैज टू बी सॉल्युबल इन फैट, ठीक है ना, ल्यूकोफोबिक, सॉल्युबल इन फैट, लिपोफिलिक, ये सुना है पहले, पढ़ा है तुमने? यस सर, यस सर, आपने क्लास में एक बार बताया था, फटाफट देख लीजिए इसको। ओके सर, बायो एक्यूमुलेशन सेम ट्रॉपिक लेवल में हो रहा है, मान लो शबनम है, शबनम कुछ खाता है, मीट खाता है, वो मीट जो है वो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो शबनम के पेट में एक्यूमुलेट हो रहा है मीट, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। शबनम जैसे 10 लोगों को कोई खा जाएगा तो वो है बायो मैग्निफिकेशन, समझ में आ रहा है ना? यस सर, बायो एक्यूमुलेशन फिश के अंदर जो एक्यूमुलेट हो रहा है, और अब बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्रैब्स है, उसको फिश खा गया, उस फिश को जो है ये जो भी क्या वॉलरस है ये खा गया, वॉलरस को पोलर बियर खा गया, तो पोलर बियर के बॉडी में बहुत ज्यादा चला गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया कंटामिनेंट, और ये बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। यस सर, ये अब यहाँ पे ये सब ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज लिपोफिलिक, व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, और डीडीटी क्या है। लिपोफिलिसिटी मतलब सॉल्युबल इन फैट, सॉल्युबल रहोगे फैट में, चर्बी में, तो चर्बी बहुत जल्दी जाता नहीं है, वो चर्बी बढ़ता रहेगा आपका, वो चीज जो है वो आपके बॉडी में रहेगी इफ इट इज सॉल्युबल इन फैट्स, लेकिन अगर पानी में सॉल्युबल है तो पानी आपके से निकल जाएगा स्वेट, पॉटी एटसेट्रा के थ्रू। डीडीटी क्या होता है, ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, छबूमिया, आर यू एबल टू हियर कोई अपन को? यस सर। हाँ, ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली परसिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सुना कभी टर्म परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POP? यस सर। कहाँ सुन लिया तुमने? क्लास में ही सुना था। Persistent organic pollutants, ये बहुत बड़ा इशू हो गए थे। इशू क्या हो गए थे, ऐसे जैसे आपने देखा कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, इसको फिर पल्चर वल्चर खाएंगे, वो मर जाएंगे, डाइक्लोफिनेक एक्सेट्रा, तो ये गलत है ना, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया था, एनवायरमेंटल न्यूसेंस। तो इसीलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया, स्टॉकहोम के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हैं, वो स्टॉकहोम 1972 वाले से मत कंफ्यूज कर लेना जिसमें कि UNEP बना था, स्टॉकहोम में बहुत चीजें हुई हैं, समझ में आ रहा है आपको? स्टॉकहोम कहाँ पे है शबनम? Is it in Bihar? Is it in Tripura? Is it in Assam? Stockholm? No sir, Stockholm. Stockholm, Sweden में है. Sweden की capital है Stockholm. ठीक है, तो ये काफी नॉर्डिक कंट्रीज है, काफी अच्छे कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ही याद रखिएगा। वो कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग देंगे कि पीओपी, और यहाँ पे अलग अलग कन्वेंशन देंगे, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपको मैच करना पड़ेगा। तो पीओपी का है स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था शब्बू? सर, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा था, ओजोन लेयर जो ऊपर छेद हो रहा था, ओजोन होल, हैव यू हर्ड अबाउट ओजोन होल? यस सर। वाह वाह छबूमिया, चलिए आगे चलते हैं। बायोटिक इंटरेक्शन ये क्या है छबूमिया? म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, सुना आपने? झूठ बोलता है। No, sir. Mutualism. Mutualism मतलब प्लस प्लस, ठीक है। Commensalism. Commensalism मतलब प्लस जीरो। Amensalism. Amensalism. I think माइनस जीरो। फिर पैरासिटिज्म और प्रीडेटिज्म,
पैरासिटिज्म, प्रीडेटिज्म। आई थिंक ये माइनस प्लस होता है। ये सुना होगा आपने शबुमिया? नो सर। झूठ बोलता है। म्यूचुअलिज्म में क्या है कि दोनों का फायदा हो रहा है। दोनों का फायदा मतलब मैं छबुमिया को पढ़ा रहा हूँ, छबुमिया का नॉलेज बढ़ रहा है। पढ़ ले इसको, पढ़ ले फटाफट पढ़ ले इसको। ये जीरो का मतलब होता है अनअफेक्टेड, जीरो इज अनअफेक्टेड। माइनस मतलब नुकसान हो रहा है, प्लस मतलब फायदा हो रहा है। माइनस प्लस मतलब एक का नुकसान दूसरे का फायदा। ठीक है छबुमिया? और मैं पूछूंगा इसको, मैं मिटा दूं ये माइनस प्लस वाला। यस सर। पढ़ो इसको, मैं अभी पूछूंगा क्या समझ में आ रहा है तुमको। सर म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा। हाँ दोनों का तो फायदा हुआ, लेकिन जो एग्जांपल दिया है उससे कैसे म्यूचुअलिज्म आपको समझ में आ रहा है? जा भाग गया सर, इसमें क्या होता है वो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे डाला जाता है उससे रिप्रोडक्शन होता है उनका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वेरी गुड। तो इससे क्या हो गया कि ये जो है पॉलिनेटर्स, इनको खाना मिल गया, पॉलन नेक्टर्स, और प्लांट का भी फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों का फायदा। कमेंसलिज्म का एग्जांपल देखो, यस सर। सर इसमें काउ तो उन्हें प्रोवाइड कर ली कर रही है, लेकिन इन रिटर्न शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग क्योंकि दे कैन नॉट। क्या प्रोवाइड कर रही है उनको? काउ डंग। काउ डंग क्या होता है? काउ का पॉटी। यस सर। अरे वाह, पॉटी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे खाना वाना बीटल्स को मिल रहा है, बट बीटल्स इज नॉट अफेक्टिंग काउज इन एनी वे एट ऑल, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई बीटल्स आर हैविंग और दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। The cow is unaffected. Amensalism, एक unaffected, एक harmed है और दूसरा unaffected, minus zero. इसका example क्या है? ये याद रखना, वो commensalism, amensalism terms पूछेंगे, किसमें plus zero है, minus zero है, plus plus, minus plus, वो याद रखना है, ठीक है? Sir, ये small plant जो sunlight के लिए बड़े plant पे चढ़ जाते हैं, चढ़ रहे हैं? ये चढ़ नहीं रहे, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला नहीं है, वो ट्रीज नहीं है वो, यहाँ पे ये चढ़ नहीं रहे। वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए कभी जो प्लांट चढ़ नहीं रहे, मान लो एक बड़ा सा प्लांट है इधर और ये बहुत बड़ा है, लेट्स से कि इसको अच्छे से बनाते हैं एक डायग्राम। न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हाँ, तो एक बड़ा सा प्लांट है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे कोई एक छोटा सा प्लांट है। अब इसके कारण नीचे शेड आ रहा है, इसको लाइट नहीं मिल रहा, तो ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा। ये वो प्लांट नहीं जो इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, वो हम अभी नहीं बात करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड का, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये ऐसे नीचे प्लांट है, इसको तो नहीं मिल रहा ना सनलाइट, तो इसकी ग्रोथ तो रुक गई ना। बड़े वाले प्लांट को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा नीचे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इस छोटे वाले प्लांट का तो ग्रोथ रुक गया, इसको तो हार्मफुली इफेक्ट हो गया ना, क्योंकि ये छोटे वाले बड़े वाले प्लांट के नीचे बेचारा उग गया था। तो ये कह रहा है कि लार्ज ट्री जो है, जो छोटे वाले प्लांट को छाया में रखता है, उसके कारण छोटे वाला प्लांट बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसको सनलाइट जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, लेकिन सॉरी स्मॉल प्लांट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लार्ज ट्री को। आई अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ रहा है छबुमिया? सर छोटे वाले को तो उसके वजह से लाइट नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़े वाले को कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से देखो, ओके सर। ठीक है, कॉम्पिटिशन दोनों का हार्म हो रहा है, और प्रीडेटिज्म पैरासिटिज्म, एक का बेनिफिट दूसरे का हार्म। जैसे मच्छर आपका खून चूसता है तो किसका फायदा किसका नुकसान? अरे जल्दी, जब फिर गायब हो गया ये। हेलो, अरे छब्बू, प्रीडेशन में लाइस का बात किया है ना, लाइस फॉर एग्जांपल लाइस हमारे सर पे और डॉग्स के टिक्स। हाँ नहीं तो मच्छर भी ले सकते हो, तुम्हारे शरीर में मच्छर नहीं होता है, लेकिन मच्छर भी ले सकते हो। मच्छर भी तुम्हारा खून चूसता है तो तुम्हारा तो नुकसान हो गया ना जी, उसका तो फायदा हो गया। ठीक है, तो यही प्रीडेशन पैरासिटिज्म। अभी हम यहाँ से पेज 20 से स्टार्ट करेंगे, कल हम 84 तक खत्म कर लेंगे। मैं आपको ये नोट्स दिखा दे रहा हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये मेरा नोट्स है, तो उसमें जो जो चीजें मैं पढ़ा दूंगा वो देख लीजिएगा। शुरू के पेजेस थोड़े ये होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ प्री रिलेटेड है, इसमें कुछ भी मेंस फ्रेंड्स मतलब नहीं है, ऐसे मेंस का क्वेश्चन भी अलग से कुछ नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना है मैं जो चीज बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक से दूसरा इसमें क्या बताऊँ, जैसे देखो IUCN
यहाँ पे IUCN और साइट्स है। अभी मैंने आपको IUCN बोला ना कि IUCN क्या होता है, क्या है IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में जिसमें उन्होंने पूछा था कि IUCN जो है वो ऑर्गन है यूएन का, दैट वॉज रॉन्ग, इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएन, इट्स एन एनजीओ, इट्स एन इंडिपेंडेंट एनजीओ। समझ आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना है, यही यहाँ पे लिखा मैंने, नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएन। और उसके बाद साइट्स है वॉशिंगटन कन्वेंशन के लिए, जो की फॉरेस्ट मतलब जो क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना है उसके प्रोटेक्शन के लिए बातें करते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि IUCN इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएन, कंफ्यूज मत हो जाना। 1948 में बना है, आगे भी आपको IUCN के बारे में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपको बोला कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 6 गैसेस के बारे में बात करता है, जी वो भी आपको इसमें दिख जाएगा कौन कौन से हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व, इसको ऐड किया, ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है श्रीलंका में, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना? यस सर। फिर एक्सप्लोजन होता है माइन, श्रीलंका में, श्रीलंका में है, तुमको क्या लगा कहाँ पे है? तो मुझे लगा राजस्थान में। बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका, श्रीलंका। एक्सप्लोजन होता है माइंस में, जैसे मेघालय में आपके बहुत सारे इलीगल माइंस हैं जहाँ पे काम करते हैं, वो कोल वोल माइंस में कभी कभी विस्फोट हो जाएगा, गिर जाएगा, वो धस जाते हैं, लोग मर जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर मिथेन मिलता है, कोल में मिथेन होता है, और मिथेन और एयर रिएक्ट करता है CH4+O2, उसे CO2+ तुम्हारा H2O निकलता है और बहुत सारा हीट निकलता है, तो इसके कारण वहां पे एक्सप्लोजन होता है हीट निकलने के कारण। और CO2 निकलता है, वो क्या करता है, एक तरह से पॉइजनस गैस हो जाता है अगर वो अंदर है, और उसके कारण क्या होता है, तुमको CO2 नहीं चाहिए, तुमको O2 चाहिए, पूरा एक वो इन क्या बोलते हैं हीट के कारण वहां पे आग वाग लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वहां पे क्या होता है, सफोकेशन होता है, लोग मर जाते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। उसी तरीके से मिथेन का मेन सोर्स है राइस फील्ड, इसलिए राइस की खेती करने के लिए बोलते हैं लोग कि थोड़ा सोच समझ के कीजिए, और इधर तो सब लोग राइस ही खाते हैं, उससे मिथेन निकलता है, मिथेन इज इंपोर्टेंट जीएचजी गैस। तो ये जो PYQs हैं 2000 से लेकर 2016, और उसके बाद मैंने 2016 से 2020 तक के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो मैं जब तक बताऊंगी तुमको समझ नहीं आएगा, वैसे मैं शेयर कर दूंगा, लेस देन 1 मिनट बचा है तो मैं मीटिंग खत्म कर देता हूं। और ये भी तुमको चाहिए ना, ये स्लाइड भी, ये भी चाहिए ना नोट्स से। यस सर, यस सर। हाँ मैं दोनों अभी आपको भेज दूंगा।